आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का के आटे से बनने वाले ढोकले, जो कि सर्दियों के मौसम में बनाए जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और इनको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक ढोकला काट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। ये बिल्कुल केक की तरह सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राजस्थान का ये बहुत ही फेमस नाश्ता है जो सर्दियों में बनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मक्का के ढोकले बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 3 कप मक्का का आटा लिया है। ये व्हाइट वाला मक्का का आटा है, आप चाहें तो येलो वाला भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, यानी कि क्यूमिन सीड्स। इसको हम थोड़ा सा क्रश करके डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अजवाइन डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको भी मैं क्रश करके डालूंगी, उससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अब 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। इसमें हम हींग थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, यानी कि एसाफेटिडा। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून हींग ली है, तो ये मेरी थोड़ी ज़्यादा तेज़ हींग नहीं है। अगर आपके पास तेज़ वाली हो तो थोड़ी सी कम डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे यहाँ पर, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में होता है खाने वाला सोडा, वही है ये। साथ ही साथ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल रही हूँ, तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी हरा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर चॉप डाल रहे हैं, और साथ ही साथ मेथी डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। तो यहाँ पे 1/2 कटोरी मैंने मेथी ली है। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून कर्ड यानी कि दही ऐड कर रहे हैं, इससे हमारे ढोकले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। सभी मसाले हमने डाल दिए हैं, अब हाथों की हेल्प से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक डो बना लेंगे। डो बहुत ही ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। जिस तरह से हम पराठे का डो लगाते हैं वैसा ही लगाना है, क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता है ज़्यादा मक्का के आटे में, तो इसमें लोच नहीं होता। तो सावधानी से पानी डालिएगा, एकदम से बहुत सारा नहीं डालना है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक टाइट डो बना लेंगे। ये देखिए, डो बनाकर हमने रेडी कर लिया है, और इसको हमको रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, बस अब इसके हमको ढोकले बनाने हैं। तो हाथों में पानी ले लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हाथों में ना चिपके, और इसको थोड़ा सा मैश करते हुए स्मूथ कर लेंगे, और इस तरह से इसका एक गोला बना लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसके सेंटर में इस तरह से उंगली डालकर और एक गड्ढा कर लेंगे, जिससे कि इसको जब हम बॉईल करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इस तरह से सारे ढोकले बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ढोकला बनाना है। ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला बन गया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसेस से हम सारे ढोकले बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाना है। अगर ढोकले में कोई क्रेक आए तो हल्का सा पानी का हाथ लगाकर उसको स्मूथ कर सकते हो। तो ये देखिए सारे ढोकले हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कुछ ढोकले मैंने बनाए हैं, और जितनी देर में मैं ढोकले बनाकर रेडी करूंगी उतनी देर में मैंने पैन चढ़ा दिया है पानी गर्म करने के लिए। और ये देखिए सारे ढोकले बनकर रेडी हो गए हैं। अब इन सारे ढोकलों को हम पैन में डालेंगे, जिस पैन में पानी गर्म हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ढोकला डालें तब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा हो। अगर ठंडे पानी में या हल्के गर्म पानी में ही आपने ढोकले डाल दिए तो ढोकले बनने की जगह फैल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एक एक करके हम पैन में ढोकले डाल रहे हैं, और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि पानी इतना होना चाहिए कि ढोकले अच्छी तरह से डूब जाएँ। ये देखिए, तो पानी में मैंने ढोकले डाल दिए हैं, और एक बार में उतने ही ढोकले डालें जितने की आसानी से उसमें आ जाए। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, और अब मैं एक ढक्कन से इसको ढक देती हूँ, और 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे इतनी देर में ढोकले बनकर रेडी हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ढोकले कितने फूल गए हैं और ये पानी में ऊपर तैरने लग गए हैं। ये पहचान है कि ढोकले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और अंदर तक सिक गए हैं। मुश्किल से इनको पकने में 5 मिनट लगा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको चम्मच से इसलिए हिला के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पानी में ऊपर तैर रहे हैं। जब मैंने इन्हें डाला था तब ये तले में बैठ गए थे, और अब आप देख रहे हैं ये पानी में तैर रहे हैं, यानी कि ढोकले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको बनने में 5 मिनट का टाइम लगा है।
आप देख सकते हैं ये ढोकले अब हम पानी में से इस तरह से निकाल लेंगे और इस पानी में हम जो ढोकले हमारे बचे हुए हैं वो इसी पानी में हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे वापस। तो आपको बहुत सारे ढोकले बनाने के लिए बार बार पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पानी में आप बार बार ढोकले बॉईल कर सकते हो और बॉईल होने में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम एक पैन रख लेंगे और उसमें डाल देंगे लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल इन ढोकलों में नहीं लगता है, ये भी एक अच्छी बात है कि ये बहुत कम ऑयल में बनकर रेडी हो जाते हैं। ऑयल को पैन में मैंने सब तरफ फैला लिया है क्योंकि ऑयल बहुत कम है। अब एक एक करके ढोकलों को इसमें रख देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऑयल में सोते कर लेंगे। आप चाहें तो ढोकलों को ऐसे भी खा सकते हो बिना सोते करे, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन इस तरह से ढोकले थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए अलट पलट कर दोनों तरफ से इनको हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है और ये जो ऑयल बचा है इसमें हम बाकी सारे ढोकले भी सेमी ब्राउन कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है। तो गर्मा गर्म ढोकले तो बनकर हमारे रेडी हैं, इसको हम इसी तरह से सर्व करेंगे। अगर आप इसको बॉईल करने के बाद ही खा रहे हैं तो इसके ऊपर गर्म तेल को ठंडा कर डाला जाता है और फिर सर्व किया जाता है। फ्रेंड्स इसको गुड़ और तेल दोनों के साथ खाया जाता है मिक्स करके। कुछ लोग इसको दाल के साथ खाना भी पसंद करते हैं, ट्रेडिशनली तो इसको गुड़ के साथ और तेल के साथ खाते हैं, इसलिए मैं आज इसको गुड़ के साथ सर्व कर रही हूँ। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।